नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 23 नवंबर। सबसे पहले कल के सेशन की अगर बात करें तो कल एमसीएक्स बुडेक्स में हमने करीबन 1.5% की गिरावट आती हुई देखी, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में और बॉन्ड यील्ड में तेजी आई है फेड के स्टेटमेंट्स के बाद, वो कहीं ना कहीं मेजर कारण रहा जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर फॉल आया। कल करीबन 1.5% की गिरावट इसलिए भी थी, इंटरनेशनल में गोल्ड करीबन $40 की गिरावट दिखा चुका है। एक तरफ हम देख रहे हैं कोरोना का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। साइकोलॉजिकली भी $1800 का लेवल कहीं ना कहीं प्राइजेस सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा गोल्ड में। तो आज के लिए बिल्कुल सीमित दायरे में मार्केट रहेगा, एक रेंज में रहेगा बट बाउंस करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आज के लिए 14,280 के स्टॉप लॉस से गोल्ड को एमसीएक्स बुलटेक्स को लेके चलिए। 14,540 का एक रिट्रेसमेंट, एक थोड़ा बाउंस दिखा सकता है, रुपए की गिरावट है वो भी सपोर्ट करेगा। सोने चांदी में कल हमने 1.5% से ज्यादा की गिरावट आते हुए देखी, आज कहीं ना कहीं आफ्टर इफेक्ट मतलब थोड़ा बहुत रिकवरी देने की कोशिश करेगा। जो 48,350 से 400 तक का लेवल गोल्ड में एक जंप दिखा सकता है, वहीं चांदी में भी 65,200 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है। बट कहीं ना कहीं बड़ी तेजी के लिए 48,500 के ऊपर गोल्ड और 65,500 के ऊपर चांदी निकल के होल्ड करना बहुत जरूरी है, उसके बाद तेजी रहेगी। ये हफ्ते में यूएस से इंपॉर्टेंट डेटा भी है, स्पीच भी है और यूएस हॉलीडे भी है, जिसके चलते काफी वॉलिटिलिटी मार्केट में रहने की उम्मीद है। बड़ी गिरावट के बाद पुलबैक जरूर बनता है। क्रूड के अंदर हमने देखा, एक तरफ कोरोना का जो कंसर्न्स बना हुआ है, साथ में जापान इंडिया सभी ने अपने ऑयल रिजर्व्स पे ऑफलोड करने की बातें की, जिसके चलते प्राइसेस पे दबाव रहना चाहिए। तो ओवरऑल आज के सेशन में अगर जब आता भी है 57-57-40 की रेंज में, वहां पे आप बेच के चलिए। 56-40 से 56-20 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। नेचुरल गैस 350 से 370 की रेंज में रहेगी। सैलून रैली की रणनीति बना के चलनी चाहिए। नॉर्मल वेदर है, लोअर डिमांड है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव रहेगा। पूरे बेस मेटल के अंदर कल हमने वापस तेजी बनते हुए देखी, रिन्यूड वरीज बनी हुई है, पावर बैलेंसिंग चल रहा है अभी भी और आउटपुट में कटौती है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट है बट वॉलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। पूरे बेस मेटल में आपको ध्यान रखना है कॉपर, जिंक और निकल, ये तीन कमोडिटीज में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। आज एलएमपी की अगर हम बात करें तो जिंक एल्यूमिनियम लाइट्स नेगेटिव दिखा जरूर रहे हैं बट कॉपर और निकल में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। इंटरनेशनल में गोल्ड 1800-1820 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि चांदी 2420 से लेकर 2480 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। आज रिकवरी का माहौल बन सकता है। वहीं क्रूड ब्रांड को दोनों में ही बिकवाली कंटिन्यू रहेगी, जब तक 81 के ऊपर ब्रांड नहीं निकलता है 78 तक के भी लेवल दिखा सकता है। नेचुरल गैस भी रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है, डॉलर इंडेक्स 96.50 के ऊपर 97.20 तक का लेवल दिखा सकता है। डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज यूरो जोन से सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े खराब आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं यूएस से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के डेटा अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ में रिस्पॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी। एमसीएक्स बुलटेक्स की बात करें तो कल के बड़े गिरावट के बाद आज प्राइसेस 14,340 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिए 200 मूविंग एवरेज 14,450 का लेवल, अगर इसके ऊपर प्राइसेस निकलता है तो 14,560 तक का भी लेवल दिखा सकता है। वहीं गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने भी 200 मूविंग एवरेज का लेवल ब्रीच किया है 2 आवर्स के चार्ट पे, जो 48 के ऊपर रिकवर करने पे 48,300-350 तक का लेवल दिखा देगा। बट बड़ी तेजी के लिए 48,600 के ऊपर जाकर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रूड की अगर हम बात करें, बार बार में प्राइसेस में रिकवरी आने की कोशिश करें, यहाँ पे भी हमने देखा प्राइसेस में फॉल, थोड़ी रिकवरी, फिर फॉल, थोड़ी रिकवरी, फिर फॉल, थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है बट 57-40 के करीब मिले तो बेचिए चलिए। ओवरऑल 55-80 तक के लेवल हम देख पाएंगे। जिंक की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है प्राइसेस में, 200 मूविंग एवरेज की तरफ जिंक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 284-285 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो आज के लिए बेस मेटल के अंदर कॉपर, जिंक और निकल, ये तीन कमोडिटी में लेके चलिए। क्रूड में बिकवाली करके चलिए, नेचुरल गैस रिबाउंड रहेगा, सोने चांदी में एक रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।